फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आपके लिए बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन, बहुत ही आसान डिज़ाइन है। ये मैं एक कार्डिगन बना रही हूँ, तो इसके डिज़ाइन मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगी। और अगर आपको ये फुल कार्डिगन की वीडियो देखनी है तो वो एक दो दिन के अंदर ये कम्प्लीट हो जाएगा, तब मैं इसका जो ऊपर का पोर्शन है आर्म होल और गले का, वो मैं एक दो दिन में अपलोड कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम शुरू से लास्ट तक एक वीडियो में बताइए, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही वीडियो में बता पाने से ये वीडियो कम से कम 40 से 50 मिनट की हो जाएगी, जो काफ़ी लेंथी होगी, बोरिंग होगी और मुझे भी इसे बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है कि क्लिप इधर उधर हो जाती है, तो फिर कोई पार्ट किसी और पार्ट से जुड़ जाता है, तो आप वीडियो आपको समझ में नहीं आती है। तो इसलिए मैं एक पार्ट में डिज़ाइन बताती हूँ और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका आर्म होल और गला घटाना बताती हूँ। आर्म होल और गला घटाना मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप किसी भी डिज़ाइन को बुने तो आर्म होल और गला कैसे बनाना है ये आप खुद जान जाएं, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है वो सिर्फ गला घटाने में और आर्म होल घटाने में आता है। डिज़ाइन तो हम कोई भी सीख सकते हैं, किसी भी चैनल पे बहुत सारी डिज़ाइंस आपको मिल जाती है, बहुत सारी डिज़ाइंस आपको पसंद भी आ जाती है, तो आप डिज़ाइन तो बना लेंगे लेकिन गला और आर्म होल कैसे घटाना है इसमें दिक्कत आती है। फ्रेंड्स, बहुत सारी डिज़ाइंस ऐसी होती हैं जो सिर्फ ब्लैंकेट्स वगैरह के लिए सूटेबल होती हैं, उसमें आपको आर्म होल और गला घटाने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मैं अपने चैनल पे आपको ये भी बताती हूँ कि कौन सी डिज़ाइन किस चीज़ के लिए सूटेबल है। तो देखिए, ये आप ब्लैंकेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, शॉल में भी यूज़ कर सकते हैं और कार्डिगन में बना रही हूँ। देखिए, राइट और रॉन्ग दोनों साइड से डिज़ाइन सेम ही देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन सिलाइयों से भी बनती है, और अगर आपको सिलाइयों से बनाना होगा तो मेरे पास मेरी एक वीडियो की लिंक है, मैं वो शेयर कर दूँगी अगर आप कहेंगे तो। तो चलिए हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 8 का मल्टीपल में डबल क्रोशिया लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये 8 के मल्टीपल में 24 डबल क्रोशिया लिए हुए हैं। देखिए, 24 डबल क्रोशिया मैंने ये लिए हुए हैं। देखिए, इसकी जो फर्स्ट रो है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 चैन लेंगे। अब 3 बार ऊन को इस तरह से क्रोशिया पर लपेटेंगे। देखिए, इस वाले पे हमने बनाया तो इसे स्किप कर देंगे, नेक्स्ट वाले पे इसे छोड़ देंगे, इस वाले पे हम एक डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 4 बार हम फंदा निकालेंगे, फिर एक और बनाएंगे, 3 बार लपेटेंगे, फिर एक और बनाएंगे, फिर एक और बार लपेटेंगे, ताकि हमारे ये 4 डबल ट्रिपल क्रोशिया हो जाए। ये जो हम 3 बार धागा लपेटते हैं तो इसे हम डबल ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। देखिए, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, अब देखिए फिर से धागा 3 बार लपेटेंगे। अब यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 4 स्किप करना है, पाँचवें में आपको इस तरह से डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए, बन गया। फिर उसके बाद वाले में देखिए, नेक्स्ट में फिर देखिए वापस से इसमें, ये देखिए, ये हमने 4 स्किप किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 में हमने बनाया। अब फिर से 3 बार ऐसे धागे को लपेटेंगे। अब देखिए, यहाँ से इसके पीछे से ऐसे आपको ले जाना है और ये जो हमने स्किप किया है ना, इसमें बनाना है, इसको ऐसे कर लेंगे। देखिए, तो 3 बार उनको लपेटना है। देखिए, 3 बार लपेटा हमने उनको और यहाँ से इस तरह से बनाया। एक बार फिर से देख लीजिए आप। देखिए, ये जो पोर्शन हमने स्किप किया है इसमें हमें बनाना है। तो देखिए, 1 2 3 3 बार इसको लिया। अब देखिए, इसके पीछे से ऐसे ले जाके, और इससे बढ़िया आप इसको ऐसे कर लीजिए। देखिए, आपके पास सामने सारे डबल क्रोशिया इस तरह से आ जाएंगे, उनके ऊपर आपको ये बना लेना है। फिर नेक्स्ट में इस तरह से, फिर नेक्स्ट में, तो जो 4 डबल क्रोशिया हमने स्किप किए थे सब में ये बन जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से क्रॉस बन गया। फिर वापस से यही करेंगे, 3 बार ऊन को हमें लपेटना है। अब देखिए, यहाँ बना हुआ है, 1 2 3 4
स्किप करेंगे जो फिफ्थ वाले में, हम ये इसको इस तरह से बनाएंगे। फिफ्थ में बनाया, फिर ये सिक्स्थ में बनाया, फिर सेवन्थ में बनाया, और फिर एट्थ में बनाया। ये देखिए आठ में बना लिया। फिर उसके बाद ये तीन बार लपेटेंगे और फिर वापस से ये बैक वाला, ये देखिए जो छूटा है इसमें हम इस तरह से बनाएंगे। फिर उसके बाद वाले डबल क्रोशे में इस तरह से, तीन बार फिर लास्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया। अब इसके बाद चार डबल क्रोशे हमारे पास बचे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें हम सिंपल यहीं से लास्ट में चार बना लेंगे। देखिए शुरू में चार बनाने हैं आपको इस तरह से और लास्ट में चार, बाकी के एट के मल्टीपल में आपको इस तरह से डिज़ाइन बनाने हैं। ये लास्ट वाला है, लास्ट वन। अब देखिए यहाँ पे जो अब सेकेंड रो है वो दो तरह से बनती है। देखिए ये जो डिज़ाइन है इसमें मैंने ये डबल क्रोशिया बनाया। देखिए ये डबल क्रोशिया की रो है, मैं इसमें आपको सिंगल क्रोशिया बना के बताऊंगी। तो डबल क्रोशिया का लुक आपको इसमें देख सकते हैं इस तरह का है, और सिंगल क्रोशिया में कैसा दिखता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो भी आपको अच्छा लगे सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बना सकते हैं। देखिए डबल क्रोशे के लिए आपको यहाँ पे तीन चेन बनाना होगा, फिर उसके बाद आप सारे जितने भी ट्रिपल क्रोशे हैं सब में आप इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे। और तो जब डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे तो ऐसा लुक आएगा। देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप, इस तरह का इसका लुक आएगा। और सिंगल क्रोशे के लिए देखिए ये जो हमारी चेन है एक चेन बनाएंगे सिर्फ, फिर नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक, फिर उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक। तो इसी तरह से आपको सब पे जितने भी ट्रिपल क्रोशिया हैं डबल ट्रिपल क्रोशिया सब पे आपको सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया जो भी आप चाहें बना लीजिए। ये देखिए हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पे तीन सिंगल क्रोशिया हो गया। देखिए जो चैन बनाई थी हमने, फाइव चैन बनाई थी, तो फिफ्थ वाली चैन में हम फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आपको टर्न हो जाना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पाँच चैन लेना है। फिर देखिए तीन बार हम इस तरह से धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट में देखिए उसमें नहीं, नेक्स्ट में हम इस तरह से, फिर जैसे फर्स्ट रो बनाई थी वैसे बस यही दो लाइनें हैं। ऊन ये मेरा सिल्की है तो बार बार स्लिप हो जा रहा है। देखिए ये हमने चार बनाए थे। अब देखिए इसके बाद फिर से वापस से 2, 3 बार हमने लपेटा। देखिए ये जो है देखिए ऐसे 1, 2, 3, 4 ये जो फिफ्थ वाला है इसमें हम बनाएंगे, फिफ्थ वाले सिंगल क्रोशे में हम ये बनाएंगे फिफ्थ। देख सकते हैं सिक्स्थ, सेवन्थ, सेवन्थ के बाद एट्थ हो गया। देखिए आठ बनाया, फिर उसके बाद वापस से तीन बार ऐसे लपेटेंगे, फिर यहाँ से ये देखिए जो हमने छोड़ा है यहाँ यहाँ से देखिए बनाएंगे
टू। थ्री और थ्री के बाद ये लास्ट फोर देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको ये जो पैटर्न है ये बनाते हुए जाना है। तो ये हम थोड़ा सा पैटर्न बना देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सिंगल क्रोशे पे इस डिज़ाइन का जो लुक है वो इस तरह से आता है। और अगर आपने बीच में डबल क्रोशिया बनाया है तो आप देख सकते हैं कि डबल क्रोशे पे भी इसका जो लुक है वो बहुत प्यारा है। बस ये जो इसकी गैपिंग होगी वो आपकी कम हो जाएगी इस तरह से। देखिए पास पास से ही ये इस तरह से चोटी जैसे जिसे हम सिलाइयों से डिज़ाइन बनाते हैं उस तरह से डिज़ाइन बन जाएगी। बहुत ही प्यारा लुक इसका सिंगल क्रोशे में भी आता है। अगर आप वाइट कलर की जैकेट बनाना चाहते हैं तो इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ईजी है और बिगनर्स के लिए भी बहुत आसान है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप डबल ट्रिपल क्रोशिया भी आसानी से बना लेंगे। तो पसंद आई आपको डिज़ाइन तो पसंद आई है। और अगर आप इसकी जैकेट बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट टाइम मैं इसकी जैकेट की वीडियो ये फुल वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। हाफ जैकेट है और ये 14 से 15 साल तक की लड़की के लिए है। और साइज़ माने तो ये एम साइज़ के लिए है। इसका मेजरमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी। मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।